आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि। तुलसी विवाह जिस जगह हम करेंगे उस जगह को अच्छे से गेरू से, गाय के गोबर से या फिर हल्दी से हम लेप लेंगे और आटे से और हल्दी से उस जगह हम एक चौक मार लेंगे। आप चाहें तो रंगोली वाले कलर से भी ये चौक मार सकते हैं। इस चौक के ऊपर हम तुलसी जी को विराजित करेंगे, साथ ही हम विष्णु भगवान के लिए भी एक आसन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक चौकी या पाटा लेंगे और पाटे पर हम एक पीला वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम एक कलश लेंगे जिसके मुख पर हम मौली बांध लेंगे। ये कलश आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। कलश पर हम रोली से या फिर कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब हम कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद हम कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। इस तरह से सारा जल गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम कलश में एक हल्दी की गांठ डालेंगे, धूप घास डालेंगे, सुपारी सिक्का डालेंगे। यदि आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आपको कलश में सफेद तिल डालने हैं, वरना आप किसी अन्य दिन यह कलश स्थापना कर रहे हैं तो आप कलश में अक्षत डाल सकते हैं। अब हम कलश के कंठ पर अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते लगा लेंगे और कलश के ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें हम थोड़े से तिल डाल देंगे। और मैं ये दीप कलश बना रही हूँ, इसलिए मैंने कलश के ऊपर दीपक रखा है। आप दीपक की जगह नारियल भी रख सकते हैं। अब हम भगवान विष्णु की फोटो को या फिर मूर्ति को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम तिलों का या फिर फूलों का आसन देते हुए चौकी पर कलश को भी स्थापित कर लेंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन करा सकते हैं। मुख्य रूप से तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ या आप विष्णु भगवान के साथ करा सकते हैं। तो मैंने शालिग्राम जी को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। और अब हम सबसे पहले प्रथम पूज भगवान गणेश का चंदन से, कुमकुम से तिलक कराएंगे, तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम यह विवाह एकादशी के दिन कर रहे हैं, इसलिए हम अक्षत का यूज पूजा में नहीं करेंगे। यदि आप तुलसी जी का विवाह एकादशी के अलावा किसी अन्य दिन कर रहे हैं तो आप पूजा में अक्षत का यूज कर सकते हैं। गणेश जी को हम कुछ पुष्प, धूप घास, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित करेंगे, साथ ही एक जनेऊ और इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। अब हम तुलसी माता को जल से, कच्चे दूध से या फिर गंगा जल से सींच देंगे। उसके बाद हम पहले भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, उसके बाद हम माता तुलसी का पूजन करेंगे। विष्णु भगवान का और शालिग्राम जी का हम चंदन से तिलक कराएंगे, तिल चढ़ाएंगे, साथ ही हम भगवान विष्णु को एक पीला वस्त्र भी भेंट करेंगे। साथ ही हम शालिग्राम जी को और विष्णु भगवान को एक पीला जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। आप पीले जनेऊ की जगह सफेद जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी भगवान विष्णु जी को और शालिग्राम जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। अब हम विष्णु भगवान को और माता तुलसी को इत्र भी लगा देंगे। अब हम शालिग्राम जी को और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करेंगे। कार्तिक के महीने में तुलसी जी का और विष्णु भगवान का विवाह करने का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है, क्योंकि शालिग्राम जी विष्णु भगवान का स्वरूप है। और यदि आपके पास शालिग्राम जी ना हो तो आप विष्णु भगवान जी की मूर्ति या फिर फोटो के साथ भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अब हम एक पुष्पों की माला तुलसी जी से स्पर्श करा के भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे, यानी विष्णु भगवान को पहना देंगे। और अब हम तुलसी जी का पूजन करेंगे। पहले वर का पूजन किया जाता है, उसके बाद कन्या का पूजन कराया जाता है। इसी विधि से हम विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद तुलसी माता का पूजन करेंगे। अब हम एक मंगलसूत्र भगवान विष्णु से स्पर्श करा के माता तुलसी को अर्पित कर देंगे। अब हमने जो सुहाग सामग्री ली है वो भी हम माता तुलसी को अर्पित कर देंगे। सुहाग में आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य 16 श्रृंगार अर्पित करने की नहीं है तो आप 7 या 11 चीजें भी सुहाग की माता रानी को अर्पित कर सकती हैं। अब हम एक चुनरी भी माता रानी को उड़ा देंगे। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप एक साड़ी या फिर लहंगा चुन्नी भी तुलसी माता को इस दिन सुहाग में अर्पित कर सकती हैं।
अब हमने जो चूड़ियां ली हैं वो भी हम माता तुलसी को पहना देंगे। यदि आपके यहाँ सुहाग में काली या हरी चूड़ियां ली जाती हैं तो आप काली या हरी चूड़ियां भी इस दिन माता रानी को सुहाग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। अब हम तुलसी जी का और विष्णु भगवान का गठजोड़ करेंगे। ये गठजोड़ मैं मौली से कर रही हूँ। यदि आपने विष्णु भगवान को कोई अंगोछा या माता तुलसी को साड़ी कोई बड़ी चुनरी दान की है तो आप यह गठजोड़ विष्णु भगवान और माता तुलसी के वस्त्रों से भी कर सकते हैं। पहले हम मौली में इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। उसके बाद हम हाथ में एक हल्दी सुपारी सिक्का और कुछ तिल ले लेंगे, जिसे हम तुलसी जी के चुनरी में बांध देंगे। जैसे शादी विवाह में दुल्हा दुल्हन का गठजोड़ किया जाता है, सेम उसी तरह से हमें विष्णु भगवान और तुलसी जी का यह गठजोड़ करना है। अब हम इस दुपट्टे को मौली से बांध देंगे और मौली का एक सिरा हम विष्णु भगवान की भुजा पर यानी कंधे पर डाल देंगे। इस तरह से तुलसी जी का और विष्णु भगवान का तुलसी विवाह में गठजोड़ किया जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि कार्तिक के महीने में जो मनुष्य तुलसी विवाह कराता है, माता तुलसी और विष्णु भगवान की उस पर विशेष कृपा बनी रहती है और तुलसी विवाह कराने वाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। तुलसी विवाह स्त्री पुरुष बच्चे सभी करा सकते हैं। अब हमने एक नारियल रखा है प्रसाद स्वरूप, जिसका हम पूजन कर देंगे और कुछ पुष्प तिल भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे हम तुलसी जी को और विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान गणेश के लिए हमने अलग से भोग निकाला है और विष्णु भगवान को हम तुलसी दल जरूर अर्पित करेंगे। इसके बाद आपने जो भी मिठाई मेवे पकवान बनाए हैं उनका भी भोग विष्णु भगवान माता तुलसी को अवश्य लगाएं। फलों में मैंने केला अमरूद और सिंघाड़े का भोग लगाया है। इस दिन आपको सिंगाड़े का भोग जरूर लगाना चाहिए। तुलसी विवाह के लिए गन्ने से मंडप भी सजाया जाता है, तो यदि आपको गन्ने आसानी से मिल जाते हैं तो आप गन्ने भी पूजा में अवश्य रखें। मुझे गन्ने नहीं मिले थे, इसलिए मैंने पूजा में गन्ने नहीं रखे हैं। अब हम तुलसी जी को बिछिया पहनाने की रस्म पूरी करेंगे। मैंने कांसे के बिछिया लिए हैं, आप चांदी के बिछिया भी ले सकते हैं। इसके बाद अब हम सिंदूर दान की रस्म करेंगे। सिंदूर दान करने के लिए हम एक चांदी का सिक्का लेंगे। आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। सिंदूर को पहले हम विष्णु भगवान के दाहिने हाथ से स्पर्श कराएंगे, उसके बाद वही सिंदूर हम माता तुलसी के 5 बार या 7 बार लगा देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष श्री मंगलाय तनो हरि। बाद में ये सिक्का आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। अब हम जो भी भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन के बिना कोई भी विवाह कार्य संपन्न नहीं माना जाता है, इसलिए हमें इस पूजा में एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। पहले हम गौरी गणेश के नाम से आहुतियाँ देंगे। ये हवन मैं बतासे पर कर रही हूँ, आप गोबर के उपले पर या फिर आम की समदाओं पर भी ये हवन कर सकते हैं। उसके बाद आप विष्णु भगवान के नाम से और तुलसी माता के किसी भी मंत्र के साथ ये आहुतियाँ दे सकते हैं। विष्णु भगवान के नाम से और तुलसी जी के नाम से आपको कम से कम 11 और अधिक से अधिक 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कुलदेवी कुलदेवता के नाम से, अपने इष्ट देव के नाम से और नवग्रह की आहुतियाँ भी देनी चाहिए। जिस प्रकार हम कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार से हम हवन के द्वारा भी सभी देवी देवताओं का अपने पूजा कार्य में या किसी भी मांगलिक कार्य में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। सबसे पहले हम हवन की आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और उसके बाद हम हवन की आरती का शीतलीकरण कर देंगे और हाथ जोड़कर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगेंगे। उसके बाद तुलसी जी को और विष्णु भगवान को हम लौंग और इलायची का भोग मुख शुद्धि के लिए अर्पित करेंगे। अब हम तुलसी जी के और शालिग्राम जी के फेरे कराएंगे। मैं ये फेरे शालिग्राम जी से करा रही हूँ, क्योंकि मेरा तुलसी जी का गमला बहुत भारी है तो मैं उसे उठा नहीं पाऊंगी। यदि आपके पास 2 लोगों की व्यवस्था है तो एक लोग शालिग्राम जी को पकड़ लें और एक लोग तुलसी जी को पकड़ लें। इस तरह से आपके ये फेरे संपन्न हो जाएंगे। मैं ये फेरे अकेले करा रही हूँ, इसलिए मैंने हाथ में शालिग्राम जी को लिया हुआ है। अब हम इसी तरह से तुलसी जी के 7 फेरे लगाएंगे। पहले 4 फेरे
दूल्हा के होते हैं यानी वर के होते हैं और आखिरी तीन फेरे दुल्हन के यानी वधू के होते हैं। इस तरह से फेरों की रस्म संपन्न की जाती है। फेरे लगाते हुए आपको मन ही मन विष्णु भगवान और तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी विवाह आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पर किसी पंडित को बुलाकर भी यह विवाह की विधि संपन्न करा सकते हैं। अब आखिरी फेरे में हमने जहाँ से फेरे शुरू किए थे वहीं बैठ जाएंगे और शालिग्राम जी को हम यथा स्थान चौकी पर पराजित कर देंगे। जब हमारे फेरे संपन्न हो जाते हैं तो वधू वर के वाम अंग में आ जाती है। मैंने पहले से ही तुलसी जी को विष्णु भगवान के वाम अंग की ओर ही पराजित किया था। अब हम विष्णु भगवान जी के शालिग्राम जी के और माता तुलसी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा विधि में हमसे जो भी कोई गलती हुई हो जो अपराध हुआ हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। अब हम आरती करेंगे। मैं ये आरती कपूर से कर रही हूँ। आप ये आरती घी के दीपक से भी कर सकते हैं। पहले हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करेंगे और माता तुलसी की आरती करेंगे। साथ ही हमने कलश में जो सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है उनकी भी हम आरती कर देंगे। आरती के बाद हम दीपक की अग्नि को शांत कर देंगे। पहले हम आरती भगवान को देंगे, उसके बाद हम आरती स्वयं लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे। इसके बाद हम विष्णु भगवान को और तुलसी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और माता तुलसी से प्रार्थना करेंगे। हे माता तुलसी, जैसे आपका और विष्णु भगवान का जोड़ा अखंड है, वैसे ही मेरा जोड़ा अखंड बनाए रखना, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, साथ ही धन संपत्ति की कभी कमी मत होने देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को तुलसी विवाह की मेरी ये सरल सी छोटी सी पूजा विधि कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको तुलसी विवाह का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में माता तुलसी की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता की जय। जय माता दी।